सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। एक्स वाई जेड तीनों के तीनों पार्टनर हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनकी? 2:1। एक्स है, वाई है और जेड है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:2:1। फिक्स कैपिटल पार्टनर ने कितनी लगा रखी है? 5 लाख। वाई ने 5 लाख और जेड ने कितनी लगा रखी है? 2.5 लाख। तो यहाँ पर 5 लाख, यहाँ पर भी 5 लाख, और अगर हम सी की बात करें 2.55 लाख की इन्होंने कैपिटल लगा रखी है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कितना लगता है? 10% पर एनम। और जेड कहते हैं, एक्स वाई जेड है, पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग क्या देना है इनको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट 10% पर एनम। जेड को देनी है सैलरी कितनी? 2000 रुपये पर मंथ। तो जेड की अगर सैलरी काउंट करें तो कितनी हो जाती है? 2,40,000, ठीक है ना। और ये किसको देनी है? सभी को देनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट दे रखा है फर्म का 31 मार्च 2015 आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। जेड की जो सैलरी है 2,40,000 ये काट दी है। ये कौन था? जेड पार्टनर। और पार्टनर की सैलरी काटने का आपका कोई हक नहीं है क्योंकि हमें जो नेट प्रॉफिट चाहिए वो बिफोर एप्रोप्रिएशन चाहिए, और ये जो सैलरी है ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट है क्योंकि किसको दी जानी है? ये एक पार्टनर को दी जानी है। इसलिए नेट प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 4 लाख हमारा प्रॉफिट था और 2 लाख आप पहले ही काट चुके हो। 2,40,000 सैलरी है तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना हो जाएगा? 6,40,000। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? हमने पहले ही बना दिया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 4 लाख इनर कॉलम में लिखेंगे। और प्लस क्या करेंगे? सैलरी जो क्या कर दी है, बाय मिस्टेक काट दी गई है पहले से। सैलरी कितनी थी? 2,40,000। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 6,40,000। ये हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है एक तो इंटरेस्ट ऑन क्या दे दो? कैपिटल दे दो। तो दे देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? एक्स को भी देना है, वाई को भी देना है और जेड को भी देना है। कितना देना है? 10%। तो कैपिटल कितनी लगा रखी है? 5 लाख। तो कितना हो जाएगा? 50,000। वाई ने भी कितनी लगा रखी है? 5 लाख। तो इसका भी कितना हो जाएगा? 50,000। और जेड ने कितना लगा रखा है? 2.5 लाख। तो इसका कितना हो जाएगा? 25,000। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1,25,000, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट क्या देना है हमने? एक देना है सैलरी। सैलरी किसको देनी थी? जेड को। तो क्या लिखेंगे? टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना यहां पर कैपिटल में कितना डालोगे? इसके इसके डालोगे आप 2,40,000। तो कितने डालोगे? 2,40,000 क्या कर दोगे? इसकी कैपिटल के अंदर आप डाल दोगे, ठीक है ना। 2,40,000, ठीक है। अगर हम बात करें उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको क्या कर दोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल में कौन से में? एक्स के में, वाई में और ये जेड में। कितना पैसा बच गया आपके पास? 6,40,000। तो वो आपके पास अमाउंट था, इसमें से 1,25,000 का आप इंटरेस्ट दे चुके हो और 2,40,000 की आप सैलरी दे चुके हो। तो मेरे पास बचता है 2,75,000। ये मेरे पास अमाउंट बचता है, ठीक है। ये टोटल कितना आएगा मेरे पास? 6,40,000। तो 6 लाख जो 40,000 मेरे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6,40,000, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये जो रेशियो है किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? ये डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:2:1 में। तो 2:2:1 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये कितने हो गए? 5 हिस्से हो गए। कितने के? 2,75 के। अगर हम बात करें बैलेंस कितना बचता है? 2,75,000।
और डिवाइड कितने से करोगे, 5 हिस्सों से। ये आ जाएगा, हर हिस्से में आ जाएगा 55,000। और इसको कितना देने हैं, एक हिस्सा देना है, तो इसके हिस्से में कितना चले जाएंगे, 55,000। और दूसरे के हिस्से में कितने चले जाएंगे, 1,10,000। ठीक है, और अगर हम बात करें तीसरे के हिस्से में कितने चलेंगे, तो 55,000 को दो हिस्से दे दो, इसको भी, इसके हिस्से में कितने आ जाएंगे, 110, मतलब 1,10,000। टोटल कितना आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा। अगर हम बात करें कैपिटल, यहाँ पर फिक्स है, फिक्स के लिए हमारे को दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। लेकिन अब हम सिर्फ इसके अंदर कैपिटल अकाउंट के अंदर डील करेंगे, इसको हम फिक्स कैपिटल ना मान के इसको हम क्या मान लेते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मान लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे ही आगे कंसेप्ट आएंगे हम इसको करा देंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, बाय बैलेंस BD, क्योंकि पार्टनर कितने हैं, एक्स है, वाई है और ये जेड है, एक्स है, वाई है और ये जेड है, ठीक है। तो बाय बैलेंस BD ब्रोट डाउन करो, कैपिटल कितनी थी, ये थी 5 लाख, और ये कितनी थी, ये भी 5 लाख, और ये कितनी थी, 2.5 लाख, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, हमारे को क्या मिला, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला यहाँ पर, 50,000, 50,000 और 25,000, तो 50,000, 50,000, 50,000 और 25,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या मिला हमारे को, जेड को क्या मिला, सैलरी मिली, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय सैलरी। तो सैलरी किसको मिली, जेड को, एक्स को नहीं मिली, वाई को नहीं मिली, इसको मिली 2,40,000 की जो सैलरी मिली। नेक्स्ट क्या मिला उनको, प्रॉफिट मिला, तो प्रॉफिट के लिए हम क्या डाल लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अमाउंट आया यहाँ पर, किसको मिला, ये एक्स को, एक्स को कितना मिला है, 110 के, मतलब 1,10,000, और इसको कितना मिला है, 55,000। अगर हम इनका टोटल कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, तो अगर हम जेड की कैलकुलेशन करें तो 2,50,000 ये आ गया, प्लस कितना आ गया, 25,000 का इंटरेस्ट मिल गया, प्लस 2,40,000 की आपकी सैलरी आ गई, प्लस 55,000 का अप्रोप्रिएशन से आ गया, तो कितना आ गया, 5,70,000 आपका जो आंसर आ गया। यहाँ भी कितना आ जाएगा, 5,70,000, और यहाँ क्या लिख देंगे, 5,70,000, ठीक है। और ये क्या लिख देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, कि आगे फ्यूचर में इसको हम यूज करेंगे जब बैलेंस शीट के अंदर अमाउंट को कंसिडर किया जाएगा। अगर नेक्स्ट की बात करें वाई की, तो कितना था, 5 लाख, तो इसने कैपिटल लगा रखी थी, 50,000 का इसको इंटरेस्ट मिल गया, और 1,10,000 का इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से बैलेंस मिल गया, तो यहाँ पर इसका अमाउंट आ जाएगा 6,60,000। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 6,60,000, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 6,60,000, ठीक है। अगर हम बात करें एक्स की, तो एक्स को कितना मिलेगा, एक्स को क्या मिलेगा, सेम 5,50,000, 1,10, तो ये भी कितना हो जाएगा, 6,60,000, ये भी कितना हो जाएगा, 6,60,000, ये भी कितना हो जाएगा, 6,60,000। तो ये हमारा करेक्ट आंसर बनता है इसके अकॉर्डिंग। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।